30 जून झारखंड के लिए एक खास और गौरव का दिन है। खास इसलिए है क्योंकि इसी दिन को अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़ा जन आंदोलन का शुरुआत हुआ था। संथाली भाषा में हुल का अर्थ है विद्रोह, और विद्रोह करने का दिन ही हुल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, यह जो 30 जून है यानी कि 30 जून झारखंड के लिए एक खास और गौरव का दिन है, और इसलिए यह खास है क्योंकि इसी दिन की शुरुआत में ही अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़ा जन आंदोलन का शुरुआत हुआ था। और संथाली भाषा में हुल का जो अर्थ होता है वह होता है विद्रोह, तो इसी दिन से स्टार्ट होने के कारण से 30 जून को हुल दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो दोस्तों, हुल दिवस के बारे में और जानकारी को देखते हैं कि इसमें क्या है, क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। स्वतंत्रता के पूर्व आज का संथाल परगना बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। संथाल परगना में उस वक्त आदिवासी समुदाय के लोग आराम से अपना जीवन व्यतीत करते थे। दोस्तों, आज का जो संथाल परगना है वह झारखंड में है, लेकिन स्वतंत्रता के पहले यह बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत में आता था। और इसी संथाल परगना में उस वक्त के जो आदिवासी समुदाय के लोग रहते थे, आदिवासी लोग जो रहते थे, वे लोग अपना जीवन को अच्छे तरीके से, साधारण तरीके से व्यतीत करते थे। ये लोग जंगलों को साफ करते थे और खेती योग्य बनाते थे, और उन पर कृषि भी करते थे। तो दोस्तों, ये लोग अपना जीवन अच्छे तरीके से बिताते थे और साथ ही साथ जंगलों को साफ करते थे और कृषि का कार्य करते थे, खेती बाड़ी करते थे। ये आदिवासी लोग काफ़ी सरल, सीधा, साहसी और निडर थे, और आज भी हैं। जंगलों की रक्षा करते और अपना स्वामित्व समझते थे। दोस्तों, ये जो आदिवासी लोग हैं, ये लोग काफ़ी सरल, सीधा और साहसी होते हैं और निडर भी होते हैं। वे पहले भी ऐसे ही थे, सरल, सीधा, साहसी और निडर ही थे। ये लोग जंगलों की रक्षा करते थे और उनको ये लोग अपना अधिकार समझते थे, स्वामित्व समझते थे, और उनकी रखवाली भी करते थे। यहाँ के आदिवासी लोग अपने जीव जमीन का राजस्व किसी को नहीं देते थे। दोस्तों, उस समय जो आदिवासी लोग रहते थे, वे लोग अपने जमीन के लिए किसी को राजस्व, किसी को लगान नहीं देते थे। बाद में अंग्रेजों ने अपना राजस्व बढ़ाने के लिए जमींदारों की नियुक्ति कर दिया, और ये जमींदार लोग जबरन, जबरदस्ती लगान वसूली करने लगे। बाद में अंग्रेजों के द्वारा इस क्षेत्र में जो हुआ उसमें अपना राजस्व को बढ़ाने के लिए, अपना पैसा बनाने के लिए, अपना जो तिजोरी होता है अंग्रेजों का वो बढ़ाने के लिए, ये लोगों को जमींदारों के द्वारा वसूली कराया जाने लगा। मतलब जमींदारों की नियुक्ति कर दिया गया और ये जमींदार लोग जबरदस्ती ये आदिवासी लोगों से लगान का वसूली करने लगे। आदिवासी लोगों को लगान चुकाने के लिए साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता था। दोस्तों, ये जो आदिवासी लोग हैं उनको ये जो लगान चुकाना होता था उनके लिए भी ये लोग साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता था। मतलब साहूकारों से पहले कर्ज लो, फिर उस कर्ज को अंग्रेजों के द्वारा जो नियुक्त जमींदार है उनको दो, और फिर ये जमींदार लोग इन पैसों को अंग्रेजों को देते थे। तो इस प्रकार से यह प्रोसेस, यह प्रक्रिया चलने लगा। साहूकार लोग भी अत्यंत अत्याचार करते थे। इस तरह अत्याचार किया जाता था कि लगान या कर्ज चुकाने में कई पीढ़ियां गुजर जाती थी, पर लगान समाप्त नहीं होता था। दोस्तों, साहूकार लोगों से ये लोग कर्ज लेते थे तो साहूकार लोग भी बहुत गंदे तरीके से अत्याचार करते थे। वे लोग लगान का दाम को बढ़ा देते थे, या फिर वो लोग कुछ अलग ही करते थे जिससे कि लगान चुकाने में इन लोगों को कई पीढ़ियां गुजर जाती थी, लेकिन लगान समाप्त ही नहीं होता था। मतलब बहुत ज़्यादा अत्याचार और अन्याय किया जाता था। इतना ज़्यादा अत्याचार जमींदार, साहूकारों और अंग्रेजों के द्वारा किया जाने लगा तो इनका जो जीवन है वह अब कठिनाई से बीतने लगा, और अंदर ही अंदर जमींदारों, साहूकारों और साथ ही साथ अंग्रेजों के खिलाफ आग जलने लगी और असंतोष भी फैलने लगा। जब इतना ज़्यादा अत्याचार होने लगा इन लोगों को अंग्रेजों के द्वारा, जमींदारों के ऊपर, साहूकारों के द्वारा, तो इनका जो जीवन जो सुखमय तरीके से चल रहा था वह भी अब खराब होने लगा, कठिनाई से इनका जीवन बीतने लगा। तो अंदर ही अंदर अंग्रेजों के खिलाफ ये लोगों का आग जलने लगा और असंतोष भी अंग्रेजों से होने लगा। झारखंड के वर्तमान साहिबगंज जिले के बरहेट प्रखंड में भोगनाडी गाँव के एक भूमिहीन चुन्नू मांझी के 4 पुत्रों ने इस अत्याचार के खिलाफ आंदोलन या विद्रोह करने का निश्चय किया।
अब दोस्तों यहाँ पर झारखंड के जो वर्तमान साहिबगंज जिला के बरहेट प्रखंड है वहाँ का एक भोगनाडी गांव है, तो यहीं के एक भूमिहीन किसान जिनका नाम है चुन्नू माझी, तो इसी चुन्नू माझी के 4 पुत्रों ने इतने जो अत्याचार होने लगे तो इस अत्याचार के खिलाफ आंदोलन करने का निश्चय किया, फैसला लिया। सरकार साहूकार मालगुजारी वसूलने के लिए बड़ी बेरहमी से काम कर रही थी, पर चारों तरफ अत्याचार का माहौल था, तो ये लोग बड़ी बेरहमी से यानी जबरदस्ती से जोर जबरदस्ती कर करके गंदे तरीके से भी ये लोग मालगुजारी की वसूली कर रहे थे, तो अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। चुन्नू माझी के 4 पुत्रों सिद्धो, कानू, चांद, भैरव और इनकी 2 बहनें फूलो और झानो ने भी इस विद्रोह का नेतृत्व किया। जब इन्होंने आंदोलन विद्रोह करने का निश्चय किया तो इसमें चुन्नू माझी के 4 पुत्रों जिनका नाम है सिद्धो, कानू, चांद और भैरव और इनकी 2 बहनें जिनका नाम है फूलो और झानो, तो इनका भी योगदान बहुत ज़्यादा था। इन 4 भाइयों और 2 बहनों 6 मिल करके इस विद्रोह का नेतृत्व किया। बाद में विद्रोह के समय आदिवासियों के द्वारा या आदिवासी संथाल लड़ाकाओं लड़ाकू के द्वारा सिद्धो को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति बनाया गया। तो आदिवासी लोगों के द्वारा जब आंदोलन करने का निश्चय हुआ तब सिद्धो को राजा बनाया गया, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति नियुक्त किया गया। संथाल आदिवासियों ने लोगों को एकजुट होने के लिए और एकजुट बनाने के लिए साल वृक्ष की टहनियों को लेकर के एक गांव से दूसरे गांव की यात्रा की ताकि अधिक से अधिक लोग अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में शामिल हो सके। दोस्तों संथाल आदिवासियों के द्वारा लोगों को एकजुट किया जाने लगा और इस एकजुट करने के लिए साल वृक्ष की टहनी को लेकर के चलते थे, एक संदेश देते थे साल वृक्ष की टहनियों के द्वारा कि आप लोग आइए, अधिक से अधिक लोग शामिल होइए और अंग्रेजों के खिलाफ इस विद्रोह में शामिल हो ताकि उनका जो अत्याचार है जो उसको दबाया जाए। तो इस कारण से ये साल वृक्ष की टहनियों को लेकर के एक गांव से दूसरे गांव जा कर के लोगों को एकजुट करने लगे। अंत में घोषणा हुआ और 30 जून 1855 को लगभग 400 से अधिक गांव के 50,000 से ज़्यादा लोग भोगनाडी पहुंचे। तो अंत में घोषणा होता है और 30 जून यानी कि 30 जून 1855 को लगभग 400 से ज़्यादा गांव के लोग, वो भी 50,000 से भी ज़्यादा लोग भोगनाडी पहुँचे। और यही भोगनाडी जो है ये 4 भाइयों और 2 बहनों का जन्म स्थान भी है, तो यहीं पर इतने ज़्यादा लोग पहुँचे। यहीं पर सिद्धो ने ऐलान किया और नारा दिया, करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो, अब हम और मालगुजारी नहीं देंगे। तो जब इतने सारे लोग पहुंच गए भोगनाडी तब सिद्धो ने ही ऐलान किया, घोषणा किया कि और नारा भी दिया साथ में कि करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो, अब हम और मालगुजारी नहीं देंगे। यह इनका नारा था जो इम्पोर्टेंट है। हूल विद्रोह भारत के सबसे पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 से पहले का है और इसका महत्व भारत के सभी स्वतंत्रता संग्रामों में बहुत ज़्यादा है। तो यह जो 30 जून 1857 को ये जो घोषणा होता है, ये जो आंदोलन का शुरुआत होता है, इससे पहला स्वतंत्रता संग्राम भारत का जिसको हम लोग कहते हैं 1857, तो उससे पहले का है, तो इसलिए इसका ज़्यादा महत्व हो जाता है। अब विद्रोह आरंभ हुआ, घमासान और भयंकर युद्ध हुआ, वीर संथालों ने जमींदारों, साहूकारों, अंग्रेजों और अंग्रेजी सेनाओं को मौत के घाट उतार दिया। तब मार्शल लॉ लगा दिया गया और लगभग 20,000 से ज़्यादा आदिवासी लोग शहीद भी हुए। अब दोस्तों विद्रोह आरंभ हो गया अंग्रेजों के खिलाफ, तो इसमें घमासान और भयंकर युद्ध हुआ, तो यहाँ पर आदिवासी लोग परंपरागत जो हथियार थे तीर, धनुष, भाला, इन सब से लड़ाई कर रहे थे, जबकि अंग्रेज लोग थोड़ी सी आधुनिक पद्धति में लड़ाई कर रहे थे, तोप, गोला बारूद, बंदूकों से वे लोग लड़ रहे थे। लेकिन फिर भी दोनों तरफ से घमासान युद्ध हुआ और इस युद्ध में वीर संथालों ने जमींदारों, साहूकारों और अंग्रेजों और अंग्रेजी सेनाओं के लोगों को भी मौत के घाट उतार दिया। अंग्रेजों के द्वारा स्थिति संभालना अब मुश्किल हो गया था, तब अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लगा दिया और लगभग इस जो घमासान युद्ध हुआ उसमें 20,000 से ज़्यादा आदिवासी लोग शहीद हुए। अगर यहाँ पर अंग्रेजों के बराबरी का मुकाबला होता, यानी कि भारतीयों के पास भी या आदिवासियों के पास भी या संथालियों के पास
अगर गोली बंदूक होते तो इस युद्ध में अंग्रेजों को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ता, लेकिन आदिवासी लोग परंपरागत जो हथियार होते हैं उनसे युद्ध करते थे, इसी कारण से ये लोग इस युद्ध में टिक नहीं सके। अंततः अंग्रेजों ने चांद और भैरव को पकड़कर मौत के घाट उतार दिए। फिर बाद में सिद्धो कानू को भी पकड़कर भोगनाडीह गांव में पेड़ पर लटका करके 26 जुलाई 1855 को फांसी दे दी गई। अंत में होता है कि अंग्रेजों ने चांद और भैरव को पकड़ करके मौत के घाट उतार देता है, वे दोनों शहीद हो जाते हैं। फिर इनके बाद में सिद्धो और कानू को भी पकड़ लिया जाता है और भोगनाडीह में पेड़ पर लटका करके 26 जुलाई 1855 यह डेट है जिस दिन इनको फांसी हुई, इन दोनों भाइयों को फांसी दे दी गई और ये दोनों भी अपनी मातृभूमि के लिए शहीद हो गए। इस आंदोलन ने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिला दी थी। तो दोस्तों यह जो आंदोलन हुआ जन आंदोलन, जिसको हम लोग हुल विद्रोह कहते हैं, यह आंदोलन ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिला देती थी, मतलब ब्रिटिश लोगों को भी एकदम से डरा ही दिया था, उनका एकदम शासन लगभग हिलने डुलने लग गया था। तो इन्हीं सारे वीर शहीदों की याद में हर साल 30 जून को पूरे झारखंड में हुल दिवस मनाया जाता है और साथ ही साथ पूरे भारतवर्ष में भी हुल दिवस के रूप में 30 जून को हुल दिवस मनाया जाता है। इस आंदोलन का परिणाम बहुत सकारात्मक रहा और इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप बंदोबस्त अधिनियम या टेनेंसी एक्ट बना या टेनेंसी एक्ट लागू हुआ और इस टेनेंसी एक्ट के तहत में आदिवासी जमीन को केवल आदिवासी ही खरीद सकता है और इसमें खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों व्यक्ति एक ही थाना क्षेत्र के निवासी होने चाहिए। तो यह इसका बहुत सकारात्मक परिणाम रहा क्योंकि इसमें आदिवासी आदिवासी की जमीन को खरीद सकता है। दोस्तों झारखंड के साथ साथ भारत के हर निवासी को इन शहीदों पर नाज है, गर्व है और इनके योगदान को हमें कभी भूलनी नहीं चाहिए, साथ ही साथ हमें इनसे प्रेरणा लेते भी रहनी चाहिए। तो दोस्तों हमें इन शहीदों पर गर्व करना भी चाहिए और इनका जो योगदान होता है उसको हम लोग भूलना नहीं चाहिए क्योंकि हम इन्हीं के बदौलत में अभी स्वतंत्रतापूर्वक घूम रहे हैं, अंग्रेजों से आज़ाद हो गए हैं, गुलामी की जंजीरों से हम लोग मुक्त हो गए हैं। तो इस कारण से इन लोगों का योगदान को हमें भूलना नहीं चाहिए और इनसे प्रेरणा लगातार लेते ही रहना चाहिए। दोस्तों इसमें एक चीज़ और है कि महान चिंतक कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स टू इंडियन हिस्ट्री में इस क्रांति को भारत का प्रथम जनक्रांति कहा है। इसमें आप जानकर के ये हैरान रहेंगे कि यह जो जनक्रांति हुआ था इसको महान कार्ल मार्क्स जो एक चिंतक है उन्होंने अपनी पुस्तक जिसका नाम है नोट्स टू इंडियन हिस्ट्री इसमें इसको भारत का प्रथम जनक्रांति कहा है। भारत का प्रथम जनक्रांति कौन है? तो यह है हुल विद्रोह। तो दोस्तों यह था हुल विद्रोह के बारे में और साथ साथ हुल दिवस के बारे में जानकारी। तो आपको इतनी सारी जानकारियों को ध्यान में रखना है। अगर दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर जरूर से जरूर करें और जो चैनल में नए आया है वह चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन और अपडेट्स आपको मिलती रहें। और इतना याद रखना है कि 30 जून को प्रतिवर्ष हुल दिवस के रूप में झारखंड में और साथ ही साथ पूरे भारतवर्ष में हुल दिवस के रूप में मनाया जाता है। थैंक यू दोस्तों।